जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाय आसफा में। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं आपको घर में ही मॉस्किटो नेट बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये देखिए, मैंने ये नेट फैब्रिक्स लिया और ये दो शेड्स में है, एक ये ग्रीन कलर है और ये एक ओवर कलर है। और ये देखिए, मैंने इसकी पहले से कटिंग कर ली है। ये देखिए, इसकी मैंने पहले से कटिंग कर ली है। इसे मैंने पीसीस बना लिए हैं इसके ना। ये देखिए, ये इसके मैंने ये पीसीस बना लिए तिरछे, इसकी टेढ़ी कटिंग की है मैंने ऊपर वाले हिस्से की। इसके लिए हमें चाहिए एक रिंग। ये देखिए, ये रिंग है, ये लोहे का रिंग है। ये देखिए, ये लोहे का रिंग है और इसकी गुलाई 16 इंच है। ये देखिए, 16 इंच इसकी गुलाई है, ये बिल्कुल गोल है। और इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक्स लिया और वाइट कलर में इसको मैंने चकोर काट लिया, तो मैंने चकोर काट लिया और इसको ऐसे इसके ऊपर रखूँगी रख के, और इसको ऐसे ये सारी इधर से सिलाई लग जाएगी इसके अंदर, रिंग के अंदर सारी ये सिलाई लग जाएगी। और ये इस शेप में आ जाएगा, ये ऐसे करके इस शेप में आ जाएगा सिलाई के बाद। अब मैं आपको बता दूं, मैंने 2.5 गज कपड़ा लिया था, ये नेट फैब्रिक लिया 2.5 गज इस कलर में लिया और 2.5 गज इस कलर में लिया। मैं डबल शेडेड और इसके मैंने 2.5 गज लेंगे, इसकी जो नेट होती है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। और इसके मैंने दोनों नेटों के मैंने 8-8 पीसेस बना लिए हैं। ये देखिए, इसको आप कलियां भी कहते होंगे, कुछ लोग कलियां भी कहते हैं इसको। नीचे से इसकी चौड़ाई है, ये देखिए नीचे से इसकी चौड़ाई है और ऊपर से मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा काट लिया। ऊपर से इसकी चौड़ाई कम है और नीचे से ज्यादा, इसको मैंने ऐसे तिरछी कटिंग दे दी है, मैंने ऐसे करके ना ऐसे करके ऐसे तिरछी कटिंग दे दिया ऊपर वाली, कम से कम 1 गज से 1 गज में तिरछी कटिंग दे दी इसको, ताकि इसका नीचे से फेड़ जो होगा वो ज़्यादा होगा और ऊपर से रिंग के हिसाब से आ जाएगा, जितना रिंग होगा और रिंग के हिसाब से ये ऊपर वाला इसका फेड़ आ जाएगा। तो चलिए अब नेट स्टिच करना शुरू करती हूँ मैं।
देखिए व्यूवर्स, मेरी नेट स्टिच होके तैयार हो चुकी है। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही है। ये देखिए पहले मैंने इसका रिंग तैयार किया था, जो कि आप मेरी स्टिचिंग में देख चुके हैं कि मैंने इसको कैसे तैयार किया। सबसे पहले मैंने इसका रिंग तैयार किया, इसके ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया, उसके बाद मैंने ये फ्रिल लगानी शुरू, इसको बनाना शुरू किया था। जो मैंने डबल डिज़ाइनिंग दिया ना फ्रिल को, मॉस्किटो नेट को जो मैंने डबल डिज़ाइनिंग दिया, उसको मैंने ये देखिए ये कैसे स्टिच किया। एक पट्टी इसकी लगाई है, एक पट्टी इसकी लगाई है, ये देखिए अलग अलग एक एक पट्टियाँ मैंने इसकी जोड़ी हैं। उसके बाद ये देखिए ये कैसी तैयार हुई है, ये देखिए वो सारी गोल तैयार हुई है। उसके बाद फिर मैंने इसको ये रिंग के साथ सारा जोड़ दिया। आप इसकी पूरी स्टिचिंग देख सकते हैं मेरी वीडियो में। और ये देखिए इसके आगे मैंने इतना खूबसूरत, और ये देखिए मैंने किस कदर खूबसूरत इसके आगे ये पर्दा बनाया फ्रिल वाला, ताकि आसानी से अंदर लेटा जा सके। और ये देखिए मेरा मेरा पोता अंदर सोया हुआ है, सारे मॉस्किटो से बच के और मज़े की मीठी नींद सोया हुआ है। मॉस्किटो ने बहुत तंग किया हुआ था, इतने हम वो क्वाइल लगा चुके हैं और इतने ज़्यादा स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ से भी मच्छर से बचाव नहीं होता हमारा। और मैंने इसकी खूबसूरती के लिए देखे इसके ऊपर कलरफुल स्टार लगाए हैं। छोटे बड़े सब बड़े बआसानी मॉस्किटो से बचकर और इसके अंदर सो सकते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये देखिए मैंने इसके नीचे ये फ्लोरल कपड़ा लगाया, इसके फेयर पे सारा ना फ्लोरल कपड़ा लगाया मैंने। तो ये थी व्यूवर्स, ये मेरी मॉस्किटो नेट, और आप अपने घर में बहुत बआसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो बाज़ार में बाढ़ आए बहुत मिलती है ये मॉस्किटो नेट जो है, ये बाज़ार में बहुत मिल रही है, लेकिन जो अपने खुद से तैयार की हुई नेट का खुशी होती है ना, वो एक अलहदा ही फीलिंग होती है इंसान के अपने दिल में ना। तो आप भी अपने घर में इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने तो इसके ऊपर स्टार लगाया ना, आप अगर आप कुछ भी लगा सकते हैं इसकी डेकोरेट के लिए ना, कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा था और मैंने इसको स्टार लगा के, तो इसको इसकी ये खूबसूरती मैंने इसको दे दी है। मैंने सोचा कपड़े कपड़ों की डिज़ाइनिंग तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, हर चीज़ में इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी मेरे पास जो भी मैं देखती हूँ मैं हर कपड़े की डिज़ाइन निकाल लेती हूँ। ये मैंने कहा, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक अलग से चीज़ की डिज़ाइन करके आपके सामने लेके आऊँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।